अच्छा था, शादी में प्यार कितना जरूरी है। थैंक यू, पर क्या फायदा? सर सर एक मिनट सर, एक्चुअली मुझे भी एक प्रॉब्लम है, मैंने लेटर भी भेजा था पर जैसे ही मेरे लेटर की बारी आई लाइट चली गई। आज आप मिले हैं तो आप ही मेरा जवाब दे दीजिए प्लीज सर, मेरा प्रॉब्लम सुन लीजिए और उसे सॉल्व कर दीजिए सर। देखिए आपकी प्रॉब्लम से कहीं ज्यादा बड़ी मेरी प्रॉब्लम है, मुझे जाने दीजिए। आशा ओम राम दूताय नमः, ओम आंजनेयाय नमः, ओम महावीराय नमः, ओम हनुमते नमः, ओम वज्रकायाय नमः। मम्मी मम्मी ये वही अंकल है जो टीवी पर आए थे। अरे ये तो वही है। बदमाश, पूजा पे ध्यान दो। आशा आशा सर जी, सर जी मुझे आजकल थोड़ी कमजोरी का एहसास हो रहा है, क्या आप मुझे कोई सलूशन बताएंगे जिससे ये प्रॉब्लम दूर हो जाए? आशा सर जी कुछ तो बताइए। काम कीजिए पुजारी जी, अपने प्रसाद में जहर मिला के खुद ही खा जाइए। ना रहेगा बास ना बचेगी बांसुरी, ठीक है? आशा क्या जमाना आ गया है, सलाह मांगो तो मरने की सलाह देते हैं, मुझे तो बहुत जीना है भाई। एक मिनट रुककर मेरी बात तो सुनो ना प्लीज, जिस चैनल ने मेरे बारे में गलत रिपोर्ट दिखाई थी उन्होंने ही मुझे बुलाकर नौकरी दी है, तुम भी तो यही चाहती थी ना? बिल्कुल नहीं, जाओ जाकर नौकरी छोड़ दो, मेरी फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ा रही हैं। अरे तुम भी तो। अब जाओ यहाँ से, सब देख रहे हैं। ए! दूसरों की शादी बचाने के चक्कर में कहीं मेरे हाथों से ये सोने की चिड़िया निकल ना जाए। हे प्रभु थोड़ा संभालना। देवू कैमरा उठाओ, हमें डॉलर्स कॉलोनी जाना है। माफ करना मैडम, मेरे पैर में चोट लगी हुई है, बहुत दर्द हो रहा है, आप राजू को ले जाइए ना। पर राजू ने भी यही बहाना बनाया। अरे हाँ मैडम, हम दोनों को एक ही साथ तो चोट लगी थी ना, सॉरी मैडम। ओह तो तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ पता है? देखो मैं मरना पसंद करूंगा पर ऐसे घटिया प्रोग्राम फिर कभी नहीं करूंगा। पर क्यों, क्या हुआ? मेरी बची खुची इज्जत की बैंड बज चुकी है, कोई और काम हो तो बताओ वरना मैं जा रहा हूँ। अच्छा तुम्हें शूटिंग करना तो आता है ना? हाँ बिल्कुल, तो मेरे साथ कैमरामैन बन के चलो। आहा उस घटिया काम से तो अच्छा है मैं यही कर लूँ, अब जरूर चलूंगा। ये हुई ना बात, चलो उठाओ कैमरा। तुम्हें पता है ना मीडिया कवरेज कैसे करते हैं, सब कुछ कवर करना। ओके एक मिनट, सब शांत हो जाइए प्लीज। देखिए शांत हो जाइए, एक एक करके बताइए प्रॉब्लम क्या है। इस बिल्डर ने हमें वादा किया था कि 40 लाख में हमें घर बना के देगा, इसके लिए हमने 15 लाख रुपए भी दिए थे पर अब तक ना फ्लैट मिला है और ना ही पैसे। तो आपको पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। हमने वो भी किया पर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। वो देखो बिल्डर, उसकी तरफ घुमाओ। हटाओ ये कैमरा यहाँ से। देखो उस वक्त इन फ्लैट्स की कीमत भले ही 40 लाख थी पर अब करोड़ों में हो गई है। अगर उतनी रकम दे सकते हो तो ये फ्लैट मिल सकते हैं, वरना सब के सब दफा हो जाओ यहाँ से। इन्हें यहाँ तक आने किसने दिया? ए, तुम्हें समझ नहीं आता, मैंने कहा ना शूट मत करो, भगाओ सबको यहाँ से। देख तू मुझे कैमरा से शूट करेगा तो मैं तुझे इससे शूट करूंगा। हाँ कर दीजिए शूट, हमें एक और ब्रेकिंग न्यूज़ मिल जाएगी। चलिए विकास। हाँ। तुम ठीक हो ना? पकड़ो इसे। सर मैं बताता हूँ, स्कूल में टीचर शाबाशी देने के लिए भी मुझे छूने से डरते थे और तुमने मुझे धक्का मारा, अब सोचा है तुम्हारा क्या होगा। चलो वापस। Oh!
कैमरा छीन लो इससे। सुन, तू नहीं जानता मेरी पहुंच कहां तक है। इस घोटाले में बड़े बड़े मिनिस्टर भी शामिल हैं, यहां तक कि सीएम का भी हिस्सा है। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, समझे? नैना, सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया ना? कांग्रेचुलेशंस, ये बताकर अपने लिए ही गड्ढा खोद लिया है। अब शाम की ब्रेकिंग न्यूज देखना मत भूलना, समझे? बाय बिल्डर। नैना चलो। बिल्डर गोपीनाथ रेड्डी हमारे न्यूज चैनल के कैमरामैन को जान से मारने की धमकी दे रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि इस घोटाले में बड़े बड़े मिनिस्टर भी शामिल हैं। इस बिल्डर की करतूतों का पर्दाफाश होने की वजह से सारी जनता रोष में है। नैना, आज तुमने साबित कर दिया कि मीडिया की पावर के सामने किसी की भी नहीं चल सकती। तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। अगली बार जब कोई रिपोर्ट कवर करने जाओ तो जितना हो सके उतने लड़ाई झगड़े दिखाओ, ओके? और फिर देखना हमारी जो टीआरपी है ना, वो ऐसे 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 ऊपर तक चली जाएगी। ओके, वेरी नाइस। सर, मिनिस्टर साहब का बार-बार फोन आ रहा है। ए, मिनिस्टर का क्या, अब तो प्राइम मिनिस्टर का भी फोन आएगा तो मैं उसे काट दूंगा, नहीं करूंगा बात। जी सर। आखिर उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि मीडिया की ताकत होती क्या है। ओके, वेरी गुड नैना, आई अप्रिशिएट। सर, इसका सारा क्रेडिट जाता है विकी को। आज की स्टोरी इसकी मदद के बिना पॉसिबल ही नहीं थी। सच में? मतलब मैंने अच्छा काम किया है क्या? अरे एक बार फिर से कहो ना। हाँ बाबा, 100%। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। तुमने तो आते ही कमाल कर दिया। देखो आगे भी ऐसे ही काम करते रहना, बहुत तरक्की करोगे, आसमान छोगे। बहुत अच्छे बेटा, कीप इट अप। थैंक यू सर। ओके, आगे भी ऐसे ही मेहनत करना। ओके हाँ सर। ओके 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 नैना, कैरी ऑन कैरी ऑन। क्या बात है सर, आज तो कमाल हो गया। इससे पहले जब भी कोई ब्रेकिंग न्यूज होती थी तो सारा क्रेडिट आप लेते थे, पर इस बार वो क्रेडिट उन्हें दे दिया। अबे अगर इस न्यूज का क्रेडिट मैं लेता ना तो वो लोग मेरे नाम की सुपारी देकर मुझे मरवा देते, और फिर क्या होता? जान चली जाती तो उस क्रेडिट का ताज मेरा भूत पहनता, क्या समझा? जी सर। चल अभी काम पे लग जा, चल। ए, सुनो सुनो सुनो, अब तो तुम मान गई ना कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। कह तो दिया 100%। तो एक बार मेरे साथ उस लड़की के घर चलकर कह दो ना कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। इतना कह दो कि तो मेरी लॉटरी लग जाएगी। ठीक है। अब तो मैं बन जाऊंगा जेंटलमैन। तुम ठीक तो हो ना? नैना, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, विकास ने कहा कि उस लड़की के डैड से जाकर कहो कि विकास अच्छा लड़का है। तो कह दो ना, उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो? किस मुंह से कहूँ, मैं भी उसे जाने लगी हूँ। अरे दोस्तों, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी मान जाएगी। कुंडली वाली बात पूरी होने का वक्त आ गया है, कल से ये सस्ती शराब पीना बंद। तुम लोग भी मेरे ससुर जी के गेस्ट हाउस में आके रहना, बस उससे पहले एक काम जरूर करना। कैसा काम? मैं कोई काम नहीं करूँगा। नहीं करेगा तो दोस्ती खत्म। सुनो, ड्रिंक, डिनर और अच्छे कपड़े, ये सब कहाँ बेस्ट मिलता है पता करो और मुझे बताओ। अरे यार, उसके लिए तो बैंकॉक जाके अच्छे से मसाज करा के आते हैं। एक बार वहाँ पे जाके ऐश कराएं, उसके बाद जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। क्यों, क्या कहते हो? बहुत मजा आए। बैंकॉक जाने की क्या जरूरत है यार, हम बैंकॉक को ही यहाँ लेके आएंगे। दूसरों के पैसे ना। ऐश कैसे की जाती है तो कोई तुमसे सीखे, है ना? अभी तो क्या बोल रहे हैं, मतलब शादी के बाद तो इंडिया में नहीं रहेगा? मैंने तो पासपोर्ट भी बनाने दे दिया है। ऐसा है क्या? एक भाई, वहाँ जाने के बाद हमें भूल मत जाना, हमसे मिलने आएगा ना भाई? अबे तुम सबको कैसे भूल सकता हूँ, मैं पहली फ्लाइट से जाऊंगा तो अगली फ्लाइट पकड़ के तुम सब आ जाना। हम अगली फ्लाइट में क्यों आएंगे बे? उसी फ्लाइट में जुगाड़ करेंगे, ड्राइवर के आजू बाजू बैठ के तेरे साथ ही उड़ेंगे। फ्लाइट में तो क्या मजा आएगा भाई। ए मोटे थू, इतना हिल मत वरना प्लेन क्रैश हो जाएगा, समझा? अबे गधे क्या कर रहा है? प्लेन में बैठा है, सीट बेल्ट बांध ले।
रुक जा। ये पागल कौन है भाई? इसने अपने हेलीकॉप्टर से हमारे प्लेन को ओवरटेक कर दिया। पूछ तो इससे कौन है ये जिसने इतनी हिम्मत की? कौन है जो हेलीकॉप्टर बीच में घुसा दिया? बाहर निकाल। अबे बाहर आ जल्दी, तेरे को सिग्नल दिखाई नहीं दिया, हेलीकॉप्टर रोका नहीं। सबके थोपड़ों पे करीबी के 12 बजे हैं, लगता नहीं कुछ मिलेगा। ओम सत्यवंता, भवन में लक्ष्मी जी का ध्यान करो और ये शल जमीन पर जोर से फेंको। इधर उधर मत देखो, जो बोला वो करो। तीन चार आठ, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से सारा जोड़ घटाव करके 8 मतलब शनि, पंचवक्र शनि तुम्हारी पीठ पे चढ़ के बैठा है। अरे बाप रे, एक ही झटके में अपनी लाइफ पंक्चर हो गई पंचवक्र से। तुम्हारे ऊपर शनि की दशा चल रही है, इसकी वजह से कोई बड़ा, मेरा मतलब तुम्हारे पिता की उम्र का इंसान, तुम पर भारी पड़ रहा है। वो तुम्हें अपनी मुट्ठी में करना चाहता है, तुम्हें नींबू की तरह निचोड़ देना चाहता है। तुम एक परेशानी ठीक करते हो, वो 10 खड़ी कर देता। करेक्ट बोला आपने गुरुजी। जब भी मैं शराब पीता हूँ, पता नहीं लड़की का बाप कहाँ से टपक पड़ता है। कहीं ये सब शराब की वजह से तो नहीं है ना गुरुजी? ये परेशानी शराब की नहीं, लड़की की है। एक काम करो, ब्रांड बदल दो और उस लड़की के ब्रांड एम्बेसडर तुम बन जाओ। देखो फिर तुम्हारी किस्मत कैसे चमकती है। एम्बेसडर? ये तो उसके लिए ऑडी बनने के लिए तैयार है। उसके लिए तो इसने चैनल में नौकरी की है। क्या कहा तुमने, चैनल में काम करते हो? देखो अगर वो लड़की चाहिए तो ये नौकरी कभी मत छोड़ना। इसी नौकरी के सहारे तुम्हारी जिंदगी का बल्ब बिल्कुल हैलोजन बल्ब की तरह चमकता रहेगा। बस वो लड़की मुझे मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू गुरुजी। नमस्कार नमस्कार, चलते हैं। संभाल लेना, बन आ गया तो लाइफ बदल जाएगी। ये क्या गुरुजी, आपने उसे चैनल की नौकरी करते रहने के लिए क्यों कहा? अरे बेवकूफ, वो लड़की से मिले या ना मिले, मेरा इससे क्या मतलब? और चैनल में नौकरी करने से मेरा फायदा जरूर है। अगर मुझे किसी भी तरह टीवी पर आने का मौका मिल गया तो देख लेना, मैं वर्ल्ड फेमस गुरुजी बन जाऊंगा। लोग ढेरों पैसे लुटाएंगे मुझसे मिलने के लिए और मैं अमीर बन जाऊंगा। अश्विनी, वो गुड मॉर्निंग, वो एंकर को मेरे केबिन में भेजना। ओके सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो सर, इधर आ जरा। यहाँ पूरा ऑफिस मुझे गुड मॉर्निंग बोल रहा है। तुम क्या सुपरस्टार हो, चलो गुड मॉर्निंग बोलो। मेरे मुंह में छाले पड़े हैं सर। मुंह में छाले पड़े? आई एम सॉरी। थैंक यू सर। एक मिनट एक मिनट सर, अगर तुम्हारे मुंह में छाले पड़े हैं तो ये कैसे बोल दिया कि मेरे मुंह में छाले पड़े? चलो गुड मॉर्निंग बोलो। कमान, सच बोलने में कैसा शर्माना सर? अभी ये सच बोलने वाली बात किधर से आ गई? गुड मॉर्निंग बोलने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कमान से गुड मॉर्निंग। देखो सुबह सुबह मेरे दिमाग को गर्म नहीं करेगा। मैंने कहा ना आपसे, मेरे मुंह में छाले पड़े हैं सर। सर क्या बात है? अरे देखो ना ये बोल रहे हैं। देखो ना नैना, मैंने सर से कह दिया कि मेरे मुंह में छाले पड़े हैं, उसके बाद भी मुझे गुड मॉर्निंग कहने के लिए बोल रहे हैं। अब देखो तुम दुनिया की चटर पटर कर रहे हो, लेकिन गुड मॉर्निंग बोलने में तुझे क्या प्रॉब्लम है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नाउ कम ऑन, अब से गुड गुड। वेरी गुड वेरी गुड। अब बोलो मॉर्निंग। मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड। अब एक साथ बोल दो गुड मॉर्निंग। सर मैं कितनी बार बताऊं, मेरे मुंह में छाले पड़े हैं, मैं नहीं बोल सकता सर। ये दुनिया भर की बकवास कर सकता है लेकिन गुड मॉर्निंग नहीं बोल सकता, समझ में नहीं। कह तो रहा है सर कि उसके मुंह में छाले हो गए हैं। हो सकता है। सॉरी